तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल पे या क्रोम पर खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो में करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपसे एक भी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर मैं ओपन कर चुका हूँ, और इसमें सर्च करना है आपको, सर्च पे आपको मिल जाएगा ब्लॉगर, ब्लॉगर पर आपको सर्च करना है। जैसे कि आप ब्लॉगर सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगा blogger.com। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लोगो भी दिखा दे रहा हूँ, इस तरह के वेबसाइट आपको मिल जाएगा blogger.com, और आपको ब्लॉगर पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप ब्लॉगर पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेके ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं या चाहे तो आप इसे अपना ब्लॉगर बनाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल अकाउंट का। दोस्तों वहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट देने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे चूज नेम योर ब्लॉगर, इसके पर आपको टाइटल दे देना है। जैसे कि कुछ मैं टाइटल दे देता हूँ, इंडिया दे देता हूँ, जैसे कि मैं इंडिया यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसके बाद आपको क्या किस पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि नेक्स्ट पे हम क्लिक कर चुके हैं, और इसके बाद पेज फिर सा ओपन होके आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर पेज ओपन होके आ गया। चूज आर यू आर योर ब्लॉगर, जैसे कि आप क्या चीज़ सर्च करना, जैसे कि क्रोम पर www.india.com, इस तरह के वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, आप अपना नाम से खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि आपको बीच में स्पेस नहीं देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों मैंने अपना वेबसाइट का नाम रख चुका हूँ VK इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर blogger.com। दोस्तों इसको हटाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम फ्री में बनाना चाहते थे, नहीं हटेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और इसके बाद फिनिश आ गया आपके पास। और इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम दे देना है। जैसे कि कुछ आपको टाइटल दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा है VK इंडिया, इस तरह से आपको हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे, INDIA VK इंडिया। और इसके बाद आपको क्या करना है कि फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ प्रोसेस लेने लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेस के ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे आपको प्रोसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और यह प्रोसेस लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोडिंग होकर पेज ओपन हो चुका है, और इस तरह के आपको आ चुका है, जैसे कि आपका वेबसाइट बन चुका है, ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट बन चुका है। और यहाँ पे आप चाहे तो आपको 0 पोस्ट हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ भी पोस्ट नहीं है, नो पोस्ट, अब चाहे तो यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं, नोट पर आप नया भी वेबसाइट फिर से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे आपको कितना आदमी देखा, कौन क्या कमेंट किया, और कितना आपको इनकम हुआ, और पेज थीम भी बदल सकते हैं, जैसे कि थीम भी बदल सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं न्यू पोस्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आइकन वाला पे न्यू पोस्ट, इस पर आप क्लिक करके नया पोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको हम गूगल में ले जाकर सर्च करके दिखा देते हैं कि मेरा वेबसाइट बना या नहीं बना। देखिए दोस्तों आप सबसे पहले अपना गूगल ओपन कीजिए। देखिए दोस्तों जो मैंने वेबसाइट बनाया, वो वेबसाइट मैं गूगल पर सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि विकास डिजिटल इंडिया के नाम से मैंने वेबसाइट बनाया है, आपको सर्च करना है विकास डिजिटल इंडिया। जैसे कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाएगा, जिस नाम से आप बनाइएगा उस नाम से आपको सर्च करना है। जैसे कि मैंने इस नाम से बनाया, तो मैं इस नाम से सर्च कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में फर्स्ट नंबर पर हमारा वेबसाइट मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए दोस्तों विकास डिजिटल इंडिया हमने बनाया, इस तरह से आपको ये वेबसाइट ओपन होके मिल जाएगा। और सर उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा ही हो, आप खुद का चाहे तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको वेबसाइट अपना बनाना है तब। तो अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।